जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। लाइक गया भाड़ में, सस के अब गया तेल लेने। डायरेक्टली वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पर आप सभी अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक करेंगे, कितने नंबर पर होगा आप सभी का सलेक्शन, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को पूरा कंप्लीट चेक करना, तो ही आपको सारी बातें समझ में आएंगी। भाई आंसर की तो आपने चेक कर ली होगी, कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आपने चेक कर लिया होगा। ये आपका दोस्तों रो स्कोर है जो अभी आपके सामने आया है। जितना भी आपका नंबर बन रहा है ये ओनली रो स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होगा, कितने नंबर और इंक्रीज होंगे आपके दोस्तों, एक नंबर से लेकर 20 नंबर तक आप सभी के जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो किसके एक नंबर बढ़ेंगे, किसके 20 नंबर बढ़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा और कहां से आप अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर चेक कर सकते हैं, ये भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों। पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी जीडी में, तो क्या हुआ था दोस्तों, आपको सारी बात बताऊंगा, किस तरीके से दोस्तों नंबर बढ़ते हैं वो भी बताऊंगा, मेरे कितने नंबर बढ़े थे वो भी आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना। अब आपको एक ऐसा दोस्तों इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाते हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें भी बोलेंगी भैया ये क्या चीज़ है यार। देखो, एक हमारे पास पूरा का पूरा दोस्तों एक डाटा है, एक भाई है, इसकी रैंक 64,624 में से 32 है। बहुत अच्छी रैंक है, आपको भी लग रहा होगा कि कितनी अच्छी रैंक है, 64,000 लोगों में से 32 रैंक आई है। अब तक जो डाटा आया है रैंक, यहाँ पर ये किस पर आया डाटा, रैंक आईक्यू पर जो डाटा आया, ठीक है, इस पर। और रैंक आईक्यू आप सभी को पता है बिल्कुल करेक्ट दिखाता है कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये तो आप सभी को पता ही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हमारा तो खुल ही नहीं रहा है रैंक आईक्यू। भाई खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, काफ़ी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा तो खोलता है वो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है वहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। एक भाई है विवेक यादव, रोल नंबर आप ये देखेंगे लिखा हुआ है सामने, कांस्टेबल जीरी 2024 का है, कैटेगरी ओबीसी है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई, भाई के जो नंबर हैं रो मार्क्सी 151 है, 151 से इसके भाई साहब नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखो कितना हो गया है, 164.71। अब आप खुद देखिए 164 पर दोस्तों रैंक कितनी आई है, 33 रैंक आई है इस भाई की 164 पर। तो इसका मतलब भाई साहब कितने लोग ऐसे होंगे, मतलब 32 रैंक आई है सॉरी, कितने लोग ऐसे होंगे जो 160 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, बहुत होंगे, क्योंकि भाई ये तो 64,000 में से 32 लोग निकल के आ रहे हैं। अब कम से कम दोस्तों यहां पर 25-30 लाख लोगों में से कितने लोग निकलेंगे, खुद सोचो इस बात को। इस भाई के नंबर कितने बड़े हैं वो देखो आप, सबसे पहले दिखाता हूं मैं, मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है वो दिखाऊंगा आपको। देखो 151 से कितने नंबर बढ़ गए, 9 और 4 13, 13.7 नंबर इस भाई के बड़े हैं, 13.7 नंबर इस भाई के यहां पर बड़े हैं। दोस्तों डाटा की कमी नहीं है, डाटा बहुत है हमारे पास। देखो इस भाई का देखो 131 से कितना हो गया है, इसका जो एग्जाम था यहां पर आप देखेंगे 5 बजे से 6 बजे वाली शिफ्ट में था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए नाम है शुभम चौधरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है बिल्कुल। 131 से 149 हो गया है, 9 और 9 18 नंबर बढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इस भाई को, ठीक है। और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। एक भाई ये रहा देखो, इसके दोस्तों नंबर देखेंगे 139 से 161, इसने तो पूरा ही खेल बदल दिया, 139 से 161, समझ रहे हो कितना हो गया दोस्तों, कितना स्कोर बढ़ गया। अगर बात कर ले दोस्तों यहां पर 20 नंबर बढ़ रहा है भाई का, 20 नहीं ज्यादा बढ़ रहा है, 42 मतलब 22 नंबर बढ़ रहा है, 22 नंबर यहां पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां पर आप देखिए, ठीक है। तो अब बताइए आपका जो है क्या होगा फिर, मैं एक डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो चेक कर रहे हैं उनको यकीन नहीं हो रहा है कि इतना नंबर बढ़ सकता है, तो भाई बिल्कुल बढ़ सकता है। आप जो है रैंक आईक्यू पर भरोसा कीजिए, क्या पता दोस्तों आपके भी बढ़ जाएं। रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू जो हैं ये थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइजेशन के करीब ले जाते हैं, बिल्कुल फिक्स तो नहीं बताएंगे लेकिन उसके करीब बता देंगे, एक दो नंबर नीचे या एक दो नंबर ऊपर, ठीक है, वो तो आगे पता चलेगा जब दोस्तों निकलेगा। एक भाई है इनके देखो 137 से 154 हो चुके हैं, और एक भाई यहाँ पर आप देखेंगे 122 से 147 हो चुके हैं।
तो ये कहां से चेक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर इतने ज्यादा बढ़ रहा है, 122 से 147 हो रहा है? भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है? इस बारे के देखेंगे दोस्तों कितने नंबर बढ़े, ठीक है, यहां पर आपको पता चल जाएगा। ये बढ़े भाई साहब यहां पर 25 नंबर, यकीन नहीं हो रहा होगा कि 25 नंबर भी बढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया क्या मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, ये रैंक आईक्यू बता रहा है। इस तरीके से आप सभी के सामने पूरा डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम शिवम है, ओबीसी कैटेगरी है, रो मार्क्स 122 हैं और नॉर्मलाइजेशन स्कोर पहुँच गया 147। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया बंदे ने। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे ना उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि कैसे दोस्तों आप लोग अपना मजाक उड़ाएंगे। और देखो रैंक देखो कितना हो गया, 1076 हो चुका है भाई का, ठीक है, देखते रहो दोस्तों तमाशा। जिनका दोस्तों 100 से कम है ना उनको भी दिखाऊंगा क्या चीज़ हो रहा है, जिनका 100 से कम आ रहा है वो भी देखना, 112 से 135 वो भी देखते रहना, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको इस बात का, देखना। सोनू कुमार मीना राजस्थान से भाई, और 117 से 136 ये देखो, ठीक है, जोड़ते रहो अपने आप, 121 से 139 सॉरी 136 जोड़ते रहो भाई, डाटा बहुत है अपने पास, 137 से 151 जोड़ते रहो, 139 से 151 बिल्कुल जोड़ो। ये इन्होंने हाइड करके रो मार्क्स थोड़ा 125 या 135 पता नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन होगा इतना ही। देखो जो लोग 100 से कम हैं, अब आ जाओ आप 96 से 116 कितने नंबर बढ़े, 16 और 4 20 नंबर बढ़े। तो ये हो रहा है दोस्तों यहाँ पर खेल। अब आप बोलेंगे चेक कैसे करना है वो बताओ, अब बताते हैं, रुको। दोस्तों कभी कभी तो लगता है कि अगर इतने नंबर वालों का सिलेक्शन 160 प्लस जा रहा है तो हमारा क्या होगा भाई, ये हमको क्यों नहीं मिलते इतने नॉर्मलाइजेशन, कभी कभी तो ऐसा लगता है यार, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेहनत करने के बाद भी जो हमसे पीछे वाला इंसान हमसे आगे निकल जाता है। आपको भी बिल्कुल ऑब्वियसली दुख होगा यार अगर आपसे भी कोई आगे ऐसे निकल जाता है, लेकिन भाई नसीब अपना अपना कुछ भी हो सकता है, क्या पता नसीब हमारा बिल्कुल ये समझो कुछ अजीब तरीके से लिखा हो, कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। लेकिन देखो हमारे टाइम पर रैंक आईक्यू खुलता ही नहीं है, हम यूट्यूबर होने के बाद रैंक आईक्यू नहीं खुल पा रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो रैंक आईक्यू पर डाटा भी चेक करके चले गए और अपना जो है भाई साहब नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी चेक करके चले गए। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है दोस्तों आपके एरिया की, कि आपके एरिया में नेटवर्क किस तरह का आ रहा है। हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें नेटवर्क देखो बहुत ज़्यादा कमजोर है, 4G नेटवर्क आता है 5G फोन में भी, खुद सोचो इस बात को। तो दिक्कत इस बात की यहाँ पर यही है कि देखो अब इतनी देर में जाके खुला है, थोड़ा सा आपको तसल्ली करनी है, ठीक है, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन तसल्ली तो करेंगे आपके सामने जब वीडियो बना रहे हैं। तो देखो URL पेस्ट किया मैंने, कैटेगरी डाला मैंने OBC, जिस भाई का ये है उसका OBC कैटेगरी है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है वो, और भाई साहब यहाँ पर हॉरिजेंटल आप रिजर्वेशन कुछ भी डाल सकते हो, नन कर दो, पासवर्ड डाल दो 123456 कुछ भी डाल दो जो मन में आ रहा है पासवर्ड, तो ठीक है, सेव करना है फिर सबमिट करना है, मतलब सबमिट करने के लिए थोड़ा सा जो है पैसा रखना है अपने अंदर कि हाँ आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिए दोस्तों खुल तो चुका है लेकिन यहाँ पर जो है भाई साहब वही चीज़ दिखा रहा है, वही ये जो है चल रहा है प्रोसेस, लेकिन ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा किसी को नहीं पता है। हमारा नेटवर्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ओपन हो जाए। इस तरीके से आपको चेक करना है यहाँ पर अपना जो है URL कॉपी करके, अपना आंसर की का URL कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लो भाई, अपने कहीं नोटबुक में या कहीं ऐसी जगह पेस्ट कर दो, किसी के मैसेज में, बाबू सोना के मैसेज में टाइप कर दो ताकि बाद में उसको आप चेक कर पाओ, क्योंकि ये वेबसाइट तो हमेशा रहेंगी लेकिन 10 तारीख के बाद उसको आप चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको कहीं ना कहीं पेस्ट कर दो आप, ठीक है। तो देखो दोस्तों तरीका यही है चेक करने का, वो बात अलग है ओपन आपके फ़ोन में होगा या नहीं होगा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छी जगह कहीं नेटवर्क आता है तो आप वहाँ जाकर ओपन करना, जरूर ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको देखो क्या दिखाई देगा, एक तो आपको दिखाई देगा पॉजिटिव मार्क्स कितने आपके मार्क्स हैं, नेगेटिव में कितने मार्क्स कटे हैं, बोनस मार्क्स का मतलब है कितने नंबर आपको मिलेंगे, अटैम्प्ट आपने कितने किए हैं, अन अटैम्प्ट कितने किए हैं, करेक्ट कितने हैं आपके, इनकरेक्ट कितने हैं, मार्क ऑफ मार्क फॉर रिव्यू में कितने आपने छोड़े थे, वो सब यहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपका एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ बता देगा, फिर आपको मिलेगा एक ऑप्शन नीचे आपके इसका रैंक चेक करने का, वहाँ से आप रैंक भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जो है दोस्तों पैसा रखना है, सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा कि जिनके दोस्तों नंबर अगर यहाँ पर 90 या 96 के आसपास भी आ रहे हैं तो आपने क्या देखा दोस्तों यहाँ पर कि 25 नंबर भी इंक्रीज हुए हैं भाई,
आप देख पा रहे हो जैसा कि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया, भाई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विद प्रूफ दिखाया मैंने आपको। और कई किसी किसी का स्कोर तो 160 161 जा रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी दोस्तों मेरा जो नंबर है बढ़ सकते हैं। अगर मान के चलो दोस्तों आपके जो नंबर हैं वो दोस्तों यहाँ पर 96 आ रहे हैं और इसमें 25 नंबर आप ऐड कर लें, ठीक है, तो ये 121 हो गए, समझ रहे हो। तो 121 में दोस्तों सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, अगर कोई जैसे SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से आता है तो उसके। लेकिन जिसके नंबर यहाँ पर 100 मतलब मान के चलो 105 हैं या 110 के बीच में आ रहे हैं, अब भाई उसको कम से कम 25 नंबर मिल जाए तो 130 तो ये हो जाएगा, 130 से दोस्तों 135 के बीच में बन जाएगा नंबर, तो इसको कौन रोकने वाला है फिर बताओ। OBC कैटेगरी में भी हो जाएगा आराम से, जनरल कैटेगरी में भी हो जाएगा आराम से इसका, तो अगर कोई अच्छी सही जगह है तो, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आराम से तैयारी पर फोकस करो भाई, कभी भी दोस्तों कुछ भी बाजी पलट सकती है, आपका मतलब बनता है सिर्फ तैयारी करना, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से आपको चेक करना है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में रैंक का, वो रैंक मित्र जो भी आपके फ़ोन में खुल जाए उससे आप चेक कर सकते हो। इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, रात को कभी भी चेक कर लेना, 1 बजे 2 बजे जब भी आपका मन करे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने चेक किया है।